हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है साइबर स्ट्रॉन्ग लाइव में। तो कैसे हो आप दोस्तों? तो पिछली वीडियो में आपने देखा था कि हमने बार्ले बोई थी और वो काटी थी और सेल की थी, और साथ ही साथ हमने सोयाबीन भी बोई थी जो वो उग गई है। तो अब इसको काटेंगे। तो मैंने एक मशीन तो उस साइड पे लगा दी है और ये दूसरी मशीन है ये इस साइड लगा दी है। तो ये देखते हैं कि ये कितनी देर में काटेगी। जब तक हम अपना और काम कर लेते हैं, वो जब तक वो काट रही है सोयाबीन को, तो सबसे पहले हम पानी लेने चलते हैं। जो गाय है, जो हमने गाय पाली है, उनके लिए पानी लेके आएंगे। मैंने एक नई जगह ढूंढी है जो वहाँ ऊपर पहाड़ पे है। हमें वहाँ नहीं जाना पड़ेगा, आगे जाके पहाड़ पार करके नहीं जाना, हमें बस पहाड़ के ऊपर चढ़ना है। और यहाँ पे एक पानी की टंकी मिली थी मेरे को, जब मैं जब ये जब मिली थी मेरे को जब मैं घास काट रहा था यहाँ पे। तो चलिए फिर ये भर गई है, अब इसको लेके चलते हैं गायों के पास। ये यहाँ पे कर देते हैं इसको खड़ा। और जब तक, और पिछली वीडियो में ही मैंने पिग भी लिए थे तो उनको मैंने वाटर तो दे दिया था, लेकिन उनके पास खाना है नहीं कुछ। तो अब उनके पास बार्ले या वीट, सनफ्लावर, कॉर्न वगैरह जो भी हमारे पास वो लेके चलते हैं। और पिक का जो प्रोडक्शन है ना, वो बहुत ज़्यादा फास्ट है, तो इसलिए हमें उससे ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो अभी मैंने ये मान लो 10 पिक भी नहीं थे, तो अभी और खरीदे, 10 पिक और खरीदेंगे। जब ये फसल बेचेंगे तो इससे जो पैसा आएगा तब। इसका रास्ता तो वैसे सीधा है, स्टार्टिंग में जब मैंने देखा था तो ऐसा लग रहा था बहुत दूर है, लेकिन ज़्यादा दूर है नहीं। वो यहाँ से राइट होना था लेकिन मैं आगे चला गया था। तो चलिए कोई नहीं, फिर से मोड़ते हैं इधर ट्रैक्टर को और फिर चलते हैं। ये जो साइड में देख रहे थे आप, ये हॉर्स पालने की है, वो है जगह जहाँ पे हम हॉर्स पालेंगे अपने। और ये जो जगह देख रहे हो आप लेफ्ट में, ये था बायोगैस। यहाँ पे जो कॉर्न होती है उसको डाला जाता है, इससे बायोगैस बनती है जिसको हम बेच सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। तो यहाँ पे एक बार हम इसको खाली करते हैं, ट्रेलर को उठाते हैं। तो यहाँ पे ये फुल हो गया है। अब एक बार इनके हेल्थ चेक कर लेते हैं। ये देखिए बार्ले हो गई है। अगर हमारे पास सनफ्लावर वगैरह, कॉर्न वगैरह होंगी तो हम वो भी डाल देंगे, तो इससे ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। तो ये जितनी भी बार्ले बची है इसको वापस जाके वहीं स्टोरेज में डाल देंगे। और यहाँ पे जो मशीन है, इन्होंने ये काम खत्म कर दिया अपना, ये एक साइड की रह गई थी, तो इसको काटते हैं और इसको 2 नंबर फील्ड पे लेके चलते हैं। ये हो गया पूरा। एक बार इसको 2 नंबर फील्ड पे लगा देते हैं पहले और फिर और काम करते हैं अपना। इस मशीन को इस साइड लगाते हैं और इसको दूसरी साइड लगाते हैं, इससे क्या होगा जल्दी काम हो जाएगा हमारा। इसको यही, इसको इस साइड लगाते हैं स्पून पे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें साइबर स्ट्रॉन्ग लाइव को, और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, और कमेंट करें कि अगली फसल हमें कौन सी लगानी है, तो हम अगली वही फसल लगाएंगे। तो इसको वापस मैं एक बार यहाँ ट्राई कर रहा था यहाँ पे बायोगैस के प्लांट पे, स्टेशन पे, लेकिन ये ले नहीं रहे, ये सिर्फ कॉर्न वगैरह कॉर्न लेते हैं और कुछ नहीं लेते जिससे कॉर्न से बनती है बायोगैस। तो इसको वापस जाके अपने स्टोरेज में वापस डाल देते हैं, जब हमें जरूरत पड़ेगी तब हम लेके वापस चले जाएंगे। फिर एक बार इसको ट्रेलर को लेके चलते हैं वहाँ पे, जो मशीन में जो सोयाबीन इकट्ठी हुई है उसको एक बार डाल लेते हैं, लेकिन इस रास्ते से नहीं करेंगे, पहले सीड लगा लेते हैं। यार मैं सोच रहा हूँ मेरे को ग्रास चाहिए, तो मैं एक जो एक फील्ड नंबर एक है उसमें हम ग्रास लगा लेते हैं सबसे पहले। तो ये खाली है तो इसको एक बार भर लेते हैं यहाँ से। इसमें फर्टिलाइजर भी है तो साथ ही साथ फर्टिलाइज भी कर देता है ये सीडर, तो हमें अलग से करने की जरूरत नहीं है। और ये जो मशीन ले रखी है मैंने फर्टिलाइजर की, इसको बेच देंगे, इसकी कोई जरूरत है पड़ती नहीं है पहली बात तो, क्योंकि सीडर में ही फर्टिलाइजर होता है। तो एक बार इसको लेके चलते हैं इसमें। अरे यार मेरे को लगानी थी ग्रास और लगा दी सोयाबीन, तो एक बार फिर से मैं एक बार ग्रास सेलेक्ट करके और चलाता हूँ यहाँ से। कोई नहीं, अभी लगा देगा, हेल्पर कर दूंगा मैं ऑन, हेल्पर ऑन कर दिया, तब तक और काम कर लेते हैं हम अपना। इसको लेके चलते हैं ट्रेलर को, जितना भी सोयाबीन कटी है एक बार उसको डालेंगे इसमें, देखते हैं कितनी हो गई है। यार मैं ये सोच रहा हूँ ये जो 3 नंबर की साइड में फील्ड है ना, 4 नंबर,
ये और मिल जाए ना, ये 1 लाख रुपए का पूरे का, तो और भी हमारे पास तो 5,000 रुपये हैं। या तो पैसा कर इसे बेच के वो करना पड़ेगा, या फिर मेरे को परचेज करना पड़ेगा। लेकिन जब तक वो नहीं हो मिलेगा ना 4 नंबर के, तब तक प्रॉफिट होगा ही नहीं। ये फूल हो गई है, एक बार इसको वो कर लेते हैं, ये डालने लग गई है मशीन इसमें गेहूँ। ये तो हो गई है, इसको जाने देते हैं। दूसरी मशीन है उसको एक बार देखते हैं उसमें कितना हो गया। वो भी फुल होने वाली है, वो मैंने रोक दिया है, तो एक बार इसको और वो ले लेते हैं। ये देखो कितनी स्पीड से डाल रही है इसमें, ये हो गई है। अब इसको 3 नंबर फील्ड पे लगा देते हैं, जब तक ये जो दूसरी मशीन है ये फील्ड नंबर 2 को खाली कर देगी काट के बिल्कुल। और फिर इसको जो दूसरी मशीन है इसको भी दूसरी साइड लगा देंगे फील्ड नंबर 3 पे। तो एक बार देख लेते हैं सोयाबीन का रेट हमें ज़्यादा कहाँ पे मिल रहा है, तो वहाँ पे इसको बेचने चलते हैं। ठीक है, रोड रोड से चलेंगे, क्योंकि पार्ट पैसे इसलिए नहीं लेके जा रहा है क्योंकि ये जो ट्रैक्टर है ना ये हल्का पड़ता है, मतलब इसकी जो हॉर्स पावर है ना वो कम है, तो ये पार्ट पे चढ़ नहीं पाता। और ऊपर से ट्रेलर में वेट भी है क्योंकि सोयाबीन लेके जा रहे हैं हम, इसलिए। लो ये पहुंच गए हम इस पे स्टेशन पे। अभी ये देखते हैं कि यहाँ पानी लेने आना पड़ता था हमें वहां से, तो अब हमें वहां पार्ट पे मिल गई है। ये गई है हमारी 13,260 रुपये की सोयाबीन गई है, बहुत कम की गई है। यही तो पहाड़ से अब चढ़ जाएगा ये पहाड़ से, क्योंकि अभी ये खाली है ना, इसलिए जो रहे वो जो केस वाला ट्रैक्टर है उसको लेके चढ़ जाओ, वो चढ़ जाएगा आराम से, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन उसको मैंने सीडर पे लगा रखा क्योंकि ये जो ट्रैक्टर है ये सीडर को खींच नहीं सकता, इसलिए। इसको यहाँ लगा देते हैं फील्ड नंबर 3 पे, ये जो साइड वाला है ना इसमें, और ये जो अगर हम खरीद लेंगे ना तो इसमें ऑलरेडी हमें सोयाबीन लगी मिलेगी, बस वो पकानी पड़ेगी हमें, क्योंकि वो भी ग्रीन है ना, तो वो पकानी पड़ेगी हमें। यार मैं सोच रहा हूँ कौन सी फसल लगाऊं, रेट तो वैसे सोयाबीन का ज्यादा है, लेकिन दूसरे नंबर पे जो सनफ्लावर है उसका भी रेट अच्छा मिल रहा है। लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई, जो ये सीडर है ये सोयाबीन मतलब सनफ्लावर नहीं लगाता, इसके लिए हमें अलग से एक नया सीडर खरीदना पड़ेगा, जो जिसको हम प्लांटर बोलते हैं वो। ये सिर्फ सीड लगाता है वीट वगैरह, वीट बार्ले सोयाबीन ये चीज लगाता है, मतलब सनफ्लावर हो गए, बीट हो गई, और क्या कहते हैं पोटैटोज हो गए, ये वो नहीं लगाता, वो लगाता दूसरा। लेकिन उसको खरीदने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है अभी, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ क्या करूँ, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक ऑप्शन और है, जो ओट है उसको ही लगा दे, क्योंकि उसका रेट भी हमें अच्छा मिल रहा है। अभी वो खरीदने के लिए अभी पैसे हैं नहीं, जब पैसे आ जाएंगे तो हम प्लांटर भी खरीद लेंगे। 68,000 डॉलर का है, 68,000 डॉलर का, तो अभी तो पैसे भी नहीं है दे, ये देखिए। तो मैं सोच रहा हूँ इसमें ओट ही लगा देता हूँ, चलो बाद में लगाएंगे, अगली वीडियो में लगाएंगे इसको, पहले काट लेते हैं, ठीक है ना। मैंने वो एक ट्यू मतलब एक 2 लैग कॉइन ले लिए थे परचेज करके, और उससे मैंने 2 लैग कॉइन ले लिए थे परचेज करके, और उससे जो 4 नंबर फील्ड था वो मैंने परचेज कर लिया है। तो अब ये जो घास अब है ना मेरे पास, ग्रास की जरूरत पड़ेगी, मतलब घास है जो जो गाय है उसके लिए जरूरत पड़ेगी। तो मैं ये सोच रहा हूँ ये साइड वाली घास है ना इसको काट लेते हैं, तब तक वो 1 नंबर फील्ड में उग जाएगी। ये साइड साइड से काटेंगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कट जाती है। ये देखो ये मूवर जोड़ा मैंने, जिससे जो ग्रास होती है वो कटती है। अगर हमको हे बनानी है तो इसके ऊपर हमें टेडर होता है, एक एक टूल है टेडर, वो चलाना पड़ेगा, जिससे जो घास है ना घास से हे बन जाएगी। तो उसको हम स्टोर करके गाय हॉर्स शिप और जो पिग होते हैं इनको हम खिला सकते हैं। तो यहाँ तक करके इसको यहीं खड़ा कर देते हैं साइड में, या फिर एक काम करते हैं वहीं खड़ा कर देते हैं, और वहां से भी ड्रोवर होता है जो ये घास है ना इसको एक लाइन में इकट्ठा कर देंगे, तो वो लेके आते हैं।
इसको यहाँ खड़ा कर देते हैं साइड में। लेकिन यार मैंने, ओह मैंने ऊपर पहाड़ पे रह गया था वो, क्योंकि मैंने वहां से घास काटी थी ना, इसलिए मैंने वहीं पे छोड़ दिया था, यहाँ लेके नहीं आया था मैं। तो ये खड़ा, विड्रोवर बोलते हैं इसको, तो इसको उठाते हैं और नीचे से शुरू कर देते हैं वहां से, क्योंकि हम वहां जाएंगे तो इससे अच्छा यहीं से शुरू कर देते हैं, यहाँ से शुरू कर देते हैं। ये भी देखना, एक लाइन में कर देगी हमें, बार बार चक्कर नहीं कटेंगे हमारे। तो ये देखो एक लाइन में पट्टी कर दे, इससे काम तो चल जाएगा घास से, क्योंकि जो गाय है ना उनके पास ग्रास है लेकिन बहुत कम है, और पिक के पास तो है ही नहीं बिल्कुल भी। तो देखते हैं अभी कितनी होएगी इसमें। जो मशीन है कंबाइन है वो अपना काम कर रही है, वो सोयाबीन को काट रही है। अभी तो तीसरे नंबर फील्ड को काट रहे हैं, तब तक चौथे नंबर की जो सोयाबीन ली है जो हमने परचेज किया वो रेडी हो जाएगी काटने के लिए, फिर उसको काटेंगे। इसने तो काम कर दिया, ये एक लाइन रह गई थी यहाँ पे, इसको और काट देते हैं। ये हो गया, फुल हो गया ये टैंक, इसको एक बार खाली कर लेते हैं इसमें। ये चौथे नंबर पे फील्ड हो गया है रेडी, क्योंकि मैंने टाइम को 45 गुना कर दिया था, जो स्पीड से टाइम जल्दी वो हो जाए। तो इसको यहाँ पे खड़ा कर देते हैं ले जाके, यहाँ इस साइड वाले खेत में कर देते हैं यहाँ पे। तो अब लेके आते हैं जो घास उठाने वाला जो टूल है, ये ट्रेलर है, इसको लेके आते हैं, लेकिन वो फुल हो गया है, तो पहले इसको एक बार ले लेते हैं, फिर वो अपना काटता रहेगा। इस वाली को दूसरी साइड लगा देते हैं, दूसरी मशीन को। जब पैसे आ जाएंगे ना तो बड़े वाला हार्वेस्टर लेंगे, जो एक ही बारी में 7 मीटर 8 मीटर वो कर दे। तो इसको लेकर चलते हैं, जो घास इकट्ठी की हमने इसको उठा लेते हैं, और जिस जहाँ भी कम पड़ रही है घास, जैसे काउ हो गई हॉर्स हो गई, तो उनके पास लेकर चलते हैं। काम तो चल जाएगा जब तक उसमें फील्ड नंबर एक में घास नहीं उगती हमारी, तब तक जो फील्ड नंबर एक में जो घास होगी ना उससे मैं बनाऊंगा हे, हे बनाऊंगा और बेल बनाऊंगा, घास की बेल बनाऊंगा उससे। ये नहीं करूंगा इससे, घास नहीं, ग्रास तो बनेगी लेकिन उससे मैं मेन तो हे बनाऊंगा पिक के लिए और सिप के लिए, इसलिए मैंने वो फील्ड नंबर एक में घास बोई है। अभी और भी फील्ड लेंगे, अभी तो पैसा कमाएंगे, अब तो 4 नंबर भी हमारे पास आ गया, इसलिए ये देखिए फुल हो गई है ग्रास यहाँ पे। ग्रास फुल हो गई, 27-28 हज़ार लीटर आई है इसमें। तो अब लगाते हैं सीडर को, तो अगली वीडियो में है ना हम इसमें ओट्स ही बोएंगे दोबारा से, क्योंकि हमारे पास यही सीडर है। अगली वीडियो में हम सोच रहे हैं सोयाबीन ही बोएंगे, क्योंकि सोयाबीन का रेट 1700 हुआ है, तो इसमें हमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा, तो ज़्यादा पैसे मिलेंगे, और ज़्यादा पैसे मिलेंगे तो हम ज़्यादा जो टूल है वो खरीद सकते, क्योंकि हमें अगली वीडियो में टूल की जरूरत पड़ेगी, जो बेल उठाने वाले हैं बेल बनाने वाले टूल हैं, तो ये दो टूल तो हमें चाहिए, और एक ट्रैक्टर ही सोच रहा हूँ मैं, अच्छा सा ट्रैक्टर, लेकिन जो मेरा बेस्ट ट्रैक्टर है वो जेसीबी लगता है मेरे, क्योंकि इसमें हॉर्स पावर भी ज़्यादा है और जो इसकी स्पीड है वो 60 है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।